कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक रात रुकूँ। हमारे तो मतलब 101 व्लॉग्स अभी तक मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए। और गमछा विक्की के पास में नहीं था। तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मिशनरी परा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि द थिंक हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके 10K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि एक आइडियोलॉजिकल चैनल को इतने कम समय में, एक साल के अंदर अंदर हमने 10K सब्सक्राइबर पार कर लिए है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल जिसका नाम मिशनरी पर आगे, जिसको आप देख रहे हैं, इस पर भी मैंने एक छोटा सा अचीवमेंट कम्प्लीट किया है, वो भी मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे चैनल का नाम है मिशनरी पराग, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 101 वीडियोस आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मतलब 101 व्लॉग्स अभी तक मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए। काफी दिनों से आप अगर मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि अजीत कौन है। अजीत हमारा एक मिशनरी साथी है जो हमारे ही साथ में काम करता है, और उनके सिस्टर का आज एंगेजमेंट है, और उसी एंगेजमेंट में हम सब तमाम मिशनरी साथी चल रहे हैं। और साथ ही आज के इस व्लॉग में मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो वो आपको लास्ट तक के पता चलेगा। हमारे डॉक्टर साहब दिमाग लगाएंगे अब। अगर कितना भी शहर में आप रह ले, लेकिन जो बात गांव की है वैसी बात और कहीं नहीं होती, क्योंकि गांव में जो जो चीज़ें एकदम नेचुरल जो चीज़ें मिलती है वैसा शहरों में भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और आज हम हमारे मिशनरी साथी के इस गांव में आए हैं, जहां पर काफ़ी अभी कुछ प्रोग्राम वहां पर हुए, अभी खाना वगैरह सब कम्प्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हम थोड़ा टहलने के हिसाब से घूम रहे हैं। और काफ़ी सारी बकरियाँ यहाँ पर दिख रही है। बकरियाँ मालूम है क्या? मैं जब 12वीं क्लास में था, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में, तो ऐसी 10 बकरियाँ चराता था इस तरीके की। अब 10 बकरियाँ चराते चराते मैं स्टडी भी करता था। और उस समय मेरे सबसे हाईएस्ट मेरे जिंदगी के 67% में। अच्छा, तो 12th स्टैंडर्ड में आपने जब 67% लाया, उसके बाद में आपने अपना कॉलेज का एजुकेशन शुरू किया, तो कभी सोचा कि यूट्यूब पर आप आने वाले हो? एक्चुअली हमने यूट्यूब, पहले तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखा कि यूट्यूब क्या है, कैसा है। हाँ। और फिर लगा सब मनुवादी चैनल पड़े हैं। हाँ। और बहुजन समाज की जो खबरें हैं, हाँ, वो उठपटांग उसको निगेटिव करके बताते जा रहे हैं। बिल्कुल, हमको भी लगा कि हम भी अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। हाँ। तब जाके हमने एक यूट्यूब चैनल खोले। अच्छा। और ऐसा भी नहीं लगा उस समय कि ये 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये तो अभी हम शुरुआत हमारे हो जाएंगे, अभी हमने शुरुआत की है, कभी नहीं लगा। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सपोर्ट आपका जिस तरीके से बढ़ता जाएगा तो ये 10K 100K में भी बदल जाएंगे। ये हमारे 4K बराबर का खाना खा लेता है। 4K मतलब 4000 लोग। इस वीडियो को निकालने के लिए 10 मिनट लगाए, और गमछा विक्की के पास में नहीं था, इसीलिए वो गमछा आपको वहाँ पर नहीं दिखा। ये हमारे प्रणय भाऊ की है, और उन्होंने इस तरीके से लौकी रखी, लौकी और थैला पर रखा है। यहाँ से अपन ये भी गायब करने वाले। हाँ। और फिर अपन उनको बाद में देंगे, तो उनका देखते रिएक्शन गोंदिया जाने के क्या होने वाला। चलिए, प्रोग्राम वोग्राम सब सभी फिनिश हो चुका है, और ख़ास जगह पर लेके जाने वाला, जहाँ पर जाने के लिए स्पेशल यहाँ पर मैं आया था, तो वहाँ पर डायरेक्ट अभी लेके चलते हैं। चलिए,
तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा मेरे पीछे काफ़ी सारे जो झोपड़ियाँ हमारे पहले के समय में होती थी, आज 2021 में अभी है और अभी भी हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी कंडीशन के अंदर में रहते हैं, जो कि बिलो बीपीएल बोल सकते हैं या फिर काफ़ी सारे जो ऐसी सहूलतें जो अभी तक उनको भारतीय संविधान से मिल जानी चाहिए थी वो चीज़ अभी तक उनके तक पहुँच नहीं पाई है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग और तमाम हमारे साथी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। को मैं पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आज भी हमारे बहुजन समाज की अगर ऐसी स्थिति है तो इसका जिम्मेदार कौन है, शासन है या प्रशासन है? इस सवाल का जवाब आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं ये सोच रहा हूँ आने वाले समय में कि यहाँ पर रुक कर मैं और एक रात बिताऊँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आने वाले समय में ऐसे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक रात रुकूँ। हमारे शहर से ज़्यादा दूर के डिस्टेंस में ये जगह नहीं है, लेकिन तभी भी ऐसे लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये रह रहे हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ का पूरा नज़ारा मैंने आपको अभी दिखा चुका हूँ और हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा था कि यहाँ पर अगर हम रुकने का सोच रहे हैं तो मेरे साथ अभी संदीप भाऊ है जो द थिंग के चीफ एडिटर, आप जानते ही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी ये जो पीछे हमने जो इतनी सारी चीज़ें जो देखी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक रात रुक कर हमारा तमाम जो बहुजन समाज इस कंडीशन में जो रह रहा है, इस चीज़ का रूबरू हम सभी से करवाऊँ, क्या ये मेरा जो मैं सोच रहा हूँ सही रहेगा, पॉसिबल? सही रहेगा, क्योंकि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि विश्वगुरु बनेगा। सही बात तो है। विश्वगुरु बनते वक्त ये भी चीज़ लोगों के नज़र में आना चाहिए कि देखो हमारा जो बहुजन समाज है एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी जो 6743 जातियों में बटा हुआ है और मनुवाद उन पे कितना हावी है। ये बहुजन समाज के लोग जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो गुर्रा आएगा, लेकिन इनके इनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इसलिए आपका जो निर्णय है कि यहाँ एक रात रुक के इनकी जो इनका जो जीवन मान है, इनका जो रहनी मान है, ये कैसे जीते हैं, कैसे इनकी जीवन शैली है, ये सब वो हमारे ब्लॉग में आना चाहिए। आपका डिसीजन जो है वो बहुत अच्छा है जी, शुक्रिया। तो अभी जल्दी से जल्दी ये इस तरीके का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर मैं एक रात रुकने का डिसाइड करने वाला हूँ। तो इसी तरीके से आपका सपोर्ट बनाए रख रही है, सब्सक्राइब कर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसके लिए ले रहे पानीपुरी रुपया किसके लिए ले रहे हैं? अपन नारियल पानी नारियल ये आपके लिए लाए हमने। थैंक यू। नारियल पानी कैसा लग रहा था? अच्छा, बस थोड़ी शक्कर की जरूरत है। नारियल पानी में और क्या, और कितना मीठा डाल लेंगे उसमें। अभी आपकी तबीयत कैसी है? एकदम बढ़िया, जोरदार। अच्छा, क्या कर रहे थे अभी? पढ़ा। बुक दिख रही है, कौन सी है? ज्योतिराव फुले की कौन सी बुक? चरित्र, फुले चरित्र। क्या था, क्या पढ़ रहे थे इसमें? मैं पढ़ रही थी पंडितनाथ सीताराम पाटिल, मराठी की किताब है लेकिन फिर भी थोड़ा एडजस्टमेंट करके पढ़ रहे अपन। किताब अच्छी है और उसमें ओवरऑल महात्मा ज्योतिराव फुले के पूर्व से लेकर पूरा अभी मतलब चरित्र बोले उनका जो पूरा आंदोलन था, पूरा जीवन चरित्र है उस पर, है ना। तो वो अभी चल रहा था अभी मेरा एक। तो ये जो लौकी हमने अभी प्रणय भाव के पास से लाए थे, अभी वो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी हम तो ये लौकी अभी हमको रिटर्न करेंगे। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और काफी सारी चीजें आज के इस व्लॉग में हुई है। मेन स्ट्रीम का मीडिया कभी उन चीजों को नहीं दिखाता, वो सारी चीजें आज के व्लॉग में मैं दिखाने की कोशिश की है और आने वाले समय में उसके ऊपर में भी जरूर काम किया जाएगा, वो आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर। चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।